रोड रेंज हो गया गाइस। तो हमने बुलाया, फूंक दिया ये को ये लोग। अरे 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 वेलकम। हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज है डे टू, नहीं डे थ्री एंड ब्लॉग थ्री। तो सक्सेसफुली मेरा मतलब नंबर थ्री ब्लॉग चल रहा है। आवाज़ बहुत कम आ रहा होगा क्योंकि इधर गाड़ी वगैरह चल रहा है। तो जो भी हो, आज हम मतलब अभी हम गौतम टोला पे है, तो अभी हम स्ट्रेट जाएंगे, जाके थोड़ा बहुत घूमेंगे। और आज हमारा जो हर वक्त होता है साथ वही लोग है। तो जो भी हो, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एंड गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ जल्दी से जल्दी 1K करवाइए गाइस। बहुत मतलब ज़्यादा थोड़ा ही बाकी है 1K के लिए, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सो गाइस अभी हम चल रहे हैं और इतना व्यू इतना खास नहीं आएगा शायद। चलो आगे जा रहे। चलो अरे कौन पीछे हॉर्न मार रहा है भाई। एक्चुअली ना गाइस क्या है, मेरा जो मतलब हेलमेट है ना, उसका मतलब अंदर का साइज़ थोड़ा छोटा है, इसीलिए मतलब मैं तो मोबाइल से ब्लॉक करता हूँ ना। अरे वो देखो, वो बंदा समझ गया हम ब्लॉक कर रहे हैं। ये हमारा रोंग थाना का आउट पोस्ट है। आवाज़ कैसा आ रहा होगा गाइस ज़रूर बताना। वो इस बंदे को चलाना नहीं आता क्या, इस बोलेरो वाले को क्या कर रहा है? देखो गाइस आगे उसका कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ये कैसा ड्राइव कर रहा है। ये देखो आगे कोई नहीं है लेकिन ड्राइव कैसा कर रहा है देखो। कैसा इंसान है भाई, ना इंडिकेटर दे रहा है ना कुछ। और ये हमारा जो हमारा इधर रुक जा। और ये हमारा मतलब क्या बोलते हैं इसको, मदुरा ब्रिज है। तो अभी इधर रुकेंगे, रुक के जयदीपदा एंड सुमंदा को फ़ोन करेंगे। वो लोग बोल रहे थे कि वो लोग भी आएंगे, तो उनको फ़ोन करके बताता हूँ। हेलो जयदीपदा, कहाँ पर हो? इस्कोला। अच्छा लेट होगा क्या? तुम लोग कहाँ पे हो? हम तो मदुरा ब्रिज पे। हाँ हाँ वीडियो चल रहा है। कौन कौन हो? मैं प्रशंजीत, गोपाल और प्रशांत। उधर तुम लोग वीडियो कंटिन्यू रखो, आ रहा हूँ। ठीक है, हम लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं। ठीक है ओके 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 भाई। तो गाइस जयदीप दा ने बोला है कि हम थोड़ा आगे जाए, वो उसका बाइक पे कुछ काम कर रहा है, तो आगे मिलते हैं, नहीं तो अगर नहीं आता तो हम चले जाएंगे। क्या करेंगे अभी। ओ गाइस तो अभी देखो ये लोग। ये औरत की तरह बैठा था गाड़ी पे, इसने कहा घुसा दिया गाड़ी। चल 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 भाई। रिएक्शन देखो, रिएक्शन इतना खासू रिएक्शन आ रहा है लोगों का, बता रहे जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ जो इधर से जा रहा हूँ। लोग घूर घूर के मुझे देख रहे हैं। वो देखो वो बंदा घूम के देख रहा था भाई। ओपी रिएक्शन बोलते पब्लिक। और गाइस आप लोग ज़रूर बताना कि डेली ब्लॉग। वो देखो दो छपरी जा रहा है। क्या हो गया? तो गाइस आप लोग ज़रूर बताना कि डेली ब्लॉग कैसा लग रहा है। अरे इसने मेरे को डरा दिया भाई, कान के सामने आके हॉर्न मारा था। क्या बोले तुझे, तू सुन। हाँ हम पीछे से आ रहे थे। हाँ वो ट्रक वाला दिख रहा है तुझे, वो देख सामने। हाँ 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 वो सीधा जा रहा था, हम भी सीधे जा रहे थे, अचानक से कट कर दिया ट्रक वाले ने। इसने अरे भाई साहब, तो मुझे इसको हमने बुलाया, फूंक दिया मतलब ड्राइवर के मुंह में या ट्रक पे। अच्छा ड्राइवर मतलब ड्राइवर ने ऐसा किया। अरे ऐसा क्यों किया? क्या बोलूं भाई, चल। अरे भाई हम तो आगे थे, हमको दिखा भी नहीं। रोड रेंज हो गया गाइस, ट्रक तो दिखा लेकिन ऐसा हो गया। हाँ और एक ट्रक वाला हमारे पास कान के पास आके हॉर्न मार रहा था साला। अचानक मैं डर गया, मैंने मुझे लगा कि मेरे को ठोक दिया ट्रक वाले ने। कितना दूर है भाई? कितना आगे जाना है? तो चलो गाइस एक पंगा तो हो गया उनके साथ, इसीलिए वो लोग स्लो आ रहे थे। अच्छा
नहीं नहीं छोड़, जो थोड़ी ना मिलेगा उनको। ये है उदारभवन का रोड, इधर जाके आप उदारभवन, एयरपोर्ट, कुंभीग्राम हर जगह जा सकते हो। कहीं घूमने जाने का प्लान भी नहीं हो रहा है, अगर कहीं लॉन्ग घूमने जाएंगे ना तो अच्छा ब्लॉग बनता है, मज़ा आता है लोगों को देखने में। कभी मतलब नेचर का फील लेना है ना तो आप आसाम पे आ जाइए, इधर से नंबर वन मिलेगा आपको नेचर, कहीं नहीं मतलब इतना अच्छा नेचर कहीं भी आपको नहीं मिलेगा गाइस। तो इधर रुकते हैं थोड़ा, तो ये देखो गाइस नेचर, ये देखो। तो अभी इधर थोड़ा बैठेंगे, मेरा हालत क्या हो गया ये देखो, बाल का हालत, हेलमेट लगा हुआ था ना इसीलिए घटिया सा लग रहा हूँ। ओ भाई देखो एक बार व्यू तो देखो यार गाइस, इधर ना बुरे बुरे अंकल लोग रेस लगा रहे हैं स्कूटी के साथ। ये देखो कोई आ रहा है, ये देखो जय जिंदा ए जेडी राइडर, अरे 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 ये देखो जेडी राइडर आ गया। मैंने सोचा कौन चपड़ी आ गया तो देखा ये जेडी राइडर है। अरे भाई कैसा फील हुआ? अरे 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 वेलकम, मैं बोल रहा था कि कौन चपड़ी राइडर देखो आ रहा है, ऊपर से देखा जेडी राइडर निकला क्योंकि अभी दो तीन बाइक गया था इधर इसीलिए। ओ भाई उसको ही दिखा दे, वो देखो भाई। सो गाइस अभी हम इधर आ रहे थे और इन भाई को मिला, इन भाई का चैनल का नाम है रुकस्टार स्टैंड, और भाई कितना बढ़िया बढ़िया स्टैंड करते हैं यार, मजा आ गया देख के। और ये देखो भाई का भी एक चैनल का नाम चैनल है जिसका नाम है रुकस्टार स्टैंड, भाई स्टैंड का वीडियो बनाते, ज़रूर चेकआउट करना भाई के वीडियो को और सपोर्ट करना। और एक छोटा सा क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था स्टैंड का तो वो आपको मिल जाएगा। एंड उनका भाई का थोड़ा ब्रेक का प्रॉब्लम हो गया इसलिए और भाई स्टैंड नहीं कर पाया, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अगले किसी दिन मिलेंगे भाई के साथ, स्टैंड वगैरह रिकॉर्ड करेंगे, तो मिलते हैं। चलो तो दोनों भाई के बीच कन्वर्सन हो रहा है कि चपड़ी मतलब क्या है तो बताओ। पूछो पहले, ये तो ज्यादा ज्ञानी है, बोल। मेरे को कोई नहीं कुछ नहीं पता, तुम ही बोलो चपड़ी मतलब क्या होता है, तू बोल, तुम ही बोलो। नहीं मेरे को नहीं पता, आप तो सीनियर हो, थर्ड पार्टी को पूछो चपड़ी क्या होता है। नहीं पता ये कुछ चपड़ी है, इससे पूछो तो भाई चपड़ी क्या रे बता, चपड़ी क्या है। नहीं नहीं सीरियसली जो टॉपिक है, हाँ चपड़ी मतलब क्या है, किसको चपड़ी बोलते, कैसे राइडर बनेगा रे तू, क्या गुंडा बनेगा। नहीं तू बोल ना, मैं क्या बोलूं भाई, मतलब फिर भी कुछ तो आता होगा ना दिमाग में, छपरी क्यों बोलते हैं। बोल, इसमें भी बहुत सारा दिक्कत है जो भी ये बोल दे, मतलब छपरी सुनने से सबसे पहला दिमाग पे क्या आता है वो बता। वो जो राइडिंग गलत तरीके से करते बिना हेलमेट, बिना सैंडल लगा के, इसने अब क्लू दे दिया ना बिना हेलमेट, उसके साथ तू सैंडल जोड़ दे। हाँ वो तो सही है, वो नहीं एक्चुअली गंदा वाला कटिंग जोड़ दे। नहीं वो भी तो छोड़ो, एक्चुअली खुद का जो सेफ्टी नहीं रखते, एक ही वार्ड वही खुद का सेफ्टी नहीं रखेंगे तो उसके साथ तो दूसरा का भी सेफ्टी कहाँ से आएगा। दूसरा ना सुखा किताब का हेलमेट नहीं पहनते हैं, उसके बाद तुम्हारा चप्पल पहन के बाइक या फिर कुछ लेके निकल जाएंगे, अगर गिरेंगे तो खपरी उसी को बोलते हैं जो पकड़ लो, मतलब खुद का प्रोटेक्शन यूज नहीं करते, उसको बोलते हैं जिसके खुद के लिए दूसरों का होता है। कोई कोई जगह के चप्पल लेके बाइक लेके निकल गया, सर पे हेलमेट नहीं है, यहाँ से चलो रे, उसके बाद देखोगे कीड़े मकोड़े ने हमला बोल दिया है, चलो चलो। अरे भाई गाइस आज का ब्लॉग इतना ही, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और बताना, जरूर बताना कि आपको डेली ब्लॉग कैसा मतलब कैसा लग रहा है। एंड ये तो ब्लॉग नंबर 3 है तो बताना गाइस कैसा लग रहा है और सपोर्ट बनाए रखो। पता नहीं यार कहाँ से क्या यार, अरे मच्छर है क्या, अरे कीड़े मकोड़े ने भेज लिया हमको, अटैक कर दिया। हाँ अटैक कर दिया, अरे सच में। तो जो भी है गाइस आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 100 रुपये।